यह जो स्टेटर आप लोग देख रहे हैं ये हमारा एक 14 कॉइल का स्टेटर है। इसमें 14 ही कॉइल हमारे स्टार्टिंग के लिए डलेंगे और 14 ही कॉइल हमारे रनिंग के लिए डलेंगे। तो आज की इसी वीडियो हम लोग इसका कम्प्लीट रिवाइंडिंग डाटा आपको 35 नंबर कॉपर वायर से बताने वाले हैं, क्योंकि इसका जो बॉडी है स्टेटर का, फैन का जो बॉडी है काफ़ी हैवी बॉडी है और स्टेटर की मोटाई जो है हमारी वो 14 mm इसकी मोटाई है स्टेटर की। तो इसी वजह से हम इसे 35 नंबर से रिवाइंड करने वाले हैं ताकि हमारा हैवी वेट का जो बॉडी है इसका वो आसानी से लोड उसका उठा पाए ये कॉइल हमारा। तो इसीलिए हम इसे 35 नंबर कॉपर वायर से रिवाइंड करने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी और भी जो वीडियो आते रहते हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। स्टेटर को हमने मशीन पर लगाकर प्रॉपर तरीके से सेट कर दिया है ताकि वीडियो में ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम कोई भी ना लगे। और अब हम मशीन को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कितने टर्न हम इसमें डालने वाले हैं। तो आप जब भी मशीन को स्टार्ट करें, कोई भी फैन रिवाइंडिंग करें, तो एक दो टर्न इस तरह से हाथ से घुमाकर आप ज़रूर देख लें कि जो स्लॉट में हमारा टर्न प्रॉपर तरीके से जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो इसका स्टार्टिंग वाइंडिंग का कंप्लीट रिवाइंडिंग वीडियो में इसी आपको दिखाने वाला हूँ कि कितने टर्न हम इसमें डालने वाले हैं। तो देखिए एक कॉइल हमारा बन के कम्प्लीट हो चुका है और इसमें देखिए टर्न हमारे आ चुके हैं 345 टर्न हम इसमें रखने वाले हैं। दो टर्न हमारे कम हैं, अगली कॉइल में हम थोड़ा टर्न एक दो टर्न उधर यहाँ पर बढ़ा देंगे तब हमारा 345 टर्न यहाँ पर एक्यूरेट आ जाएगा। ठीक है, तो 345 टर्न से हम इसका स्टार्टिंग बाइंडिंग कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसी तरह से आपको बाकी की सभी जो कॉइलें हैं, 14 कॉइल इसमें डलने वाले हैं स्टार्टिंग के लिए, तो सभी कॉइलों को आपको 345 टर्न से आप इसे रिवाइंड कर रहे हैं। तो अगली स्लॉट पे मैंने लगा दिया स्टेटर को और फिर हम मशीन को करते हैं स्टार्ट। देखिए अगला भी कॉइल हमारा बनना स्टार्ट हो गया। इसी तरह से आपको सभी कॉइल को बना लेना है जो कि हमारे स्टार्टिंग बाइंडिंग में हम 345 टर्न डालने वाले हैं। तो आपको इसी तरह से सभी कॉइल को बना लेना है। तो चलिए फटाफट सभी कॉइल को हम देख बना लेते हैं। इसका स्टार्टिंग कॉइल हमारा भर के कंप्लीट हो चुका है और इसमें हमने लॉक पेपर भी ऊपर वाले लगा दिए हैं। और देखिए फिनिशिंग कितनी अच्छी हमारी फिनिशिंग आई है कॉइल में। और इसका डाटा हम आप लोगों को एक बार स्टार्टिंग का और बता देते हैं। इसमें हमने 345 टर्न डाले हुए हैं 35 नंबर कॉपर वायर से, और इसका हम रनिंग में जो डाटा रखने वाले हैं 355 टर्न हम इसमें रनिंग में रखने वाले हैं 35 नंबर कॉपर वायर से ही। इस पर आप 2 MFD से लेकर 3.25 MFD तक का कैपेसिटर लगा सकते हैं। अगर वोल्टेज प्रॉपर है तब आप 2.5 MFD का ही कैपेसिटर लगाएं तभी ठीक रहेगा। अगर वोल्टेज कम है तो 3.25 का भी कैपेसिटर इस तरह आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से इसका कंप्लीट रिवाइंडिंग डाटा हो गया हमारा। तो इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।